गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आपकी बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखकर हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जो विज्ञान और केमिस्ट्री में, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आज हम चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन में जो क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अनिषेच फलन क्या होता है? तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 14 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 19 में पूछा गया है और 22 में पूछा गया है। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिषेच फलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बच्चों, इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें बिना अनिषेच फलन का मतलब बिना निषेचन के, फल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे अनिषेच फलन कहते हैं। अनिषेच फलन का मतलब होता है बिना निषेचन के फल बनने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उसे अनिषेक फलन कहते हैं। ये शब्द किसने दिया था बच्चों? ये शब्द नॉल ने दिया था। और इसका मतलब क्या होता है? अंडाशय से बिना निषेचन के फल निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे फल जो होते हैं जो बिना निषेचन के बनते हैं उसे अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ये फल कैसे होते हैं बच्चों? ये फल जनरली सब कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं। तो बच्चों, बिना निषेचन के फल निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। और जो फल बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनिषेक फलनी फल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आते हैं बच्चों, इसके एग्जाम्पल में आते हैं जो अनिषेक फल फलन होते हैं उसमें आते हैं, इसके एग्जाम्पल में आते हैं बच्चों अंगूर और केले। ये सब कैसे फल हैं? आपने देखा होगा इन सब फलों में बीज नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत माइन्यूट ना के बराबर होता है। ये फल कैसे बनते हैं? बिना निषेचन के बनते हैं, इसलिए ये सब फल कैसे होते हैं बच्चों? बीज रहित होते हैं। अनिषेक फलन फल को कैसे बना सकते हैं? कुछ हार्मोन भी इनको बनाने में मदद करते हैं। अगर हमको इनको आर्टिफिशियली बनाना हो तो बच्चों ऑक्सिन और जिबरेलिन नामक जो हार्मोन होता है हम उनका छिड़काव करके अनिषेक फलन वाले फल को बना लेते हैं बच्चों। इनका जो फल बनता है वो कैसा होता है? बीज रहित होता है। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, दो हार्मोन जिनका हम छिड़काव करके अनिषेक फलन वाले फलों को बनाते हैं उसमें आता है एग्जाम्पल ऑक्सिन और जिब्रेलिन का। अगली डेफिनेशन है बहुभ्रूणता। ये क्वेश्चन बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा में 14 में पूछा गया, 15 में, 16 में, 18 में और 22 में पूछा गया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुभ्रूणता नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चों, बहुभ्रूणता का मतलब एक से अधिक भ्रूण, होंगे तभी नाम लगेगा क्या? बहुभ्रूणता। तो एक बीजांड है या कोई एक बीज है उसमें बच्चों एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? बहुभ्रूणता कहलाता है। और ये बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है बच्चों? अनावृत बीजी पौधों में या सामान्य घटना होती है। अनावृत बीजी का मतलब नग्न, बीजी पौधे, उसमें ये सामान्य घटना आती है। इसमें आता है जिम्नोस्पर्म हमारा। इनके जो बीज होते हैं बच्चों, जिम्नोस्पर्म के जो बीज होते हैं, इनके जो बीज होते हैं फलों में बंद होने के बजाय, छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में रहते
अवस्था में रहते हैं तो अनावृत बीजी पौधों में बहुभ्रूणता बच्चों एक सामान्य घटना होती है। इनमें जो बीज होते हैं बच्चों फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों या शंकुओं में खुली अवस्था में रहते हैं, इसलिए इन्हें नग्न बीजी पौधे कहते हैं। परंतु यह घटना जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, आवृतबीजी पौधों में कौन सा पौधा आता है बच्चों? हमारा एंजियोस्पर्म आता है। इनके जो बीज होते हैं वो फलों के अंदर जो है बंद रहते हैं, तो आवृतबीजी पौधों में यह घटना बहुत कम पाई जाती है। तो बच्चों आप अनावृतबीजी पौधों और आवृतबीजी पौधों का मतलब समझ गए हैं। जो अनावृतबीजी पौधे होते हैं इनके जो बीज होते हैं वो फलों में बंद होने के बजाय छोटी टहनियों में खुली शाखाओं में रहते हैं, लेकिन जो आवृतबीजी पौधे होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म इनके बीज फलों में बंद रहते हैं, तो बहुभ्रूणता की घटना अनावृतबीजी पौधों में पाई जाती है। कभी कभी ये पूछता है बच्चों इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो वैज्ञानिक ने की थी उनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूबेन हॉक ने की थी। और किसमें की थी? संतरे के बीजों में की थी। आपने देखा होगा संतरे के बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। यद्यपि इसमें होता क्या है बच्चों, एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित तो हो जाते हैं, लेकिन इसमें से केवल एक भ्रूण ही सक्रिय होकर अगली पीढ़ी के नए पौधे को जन्म देता है। तो बहुभ्रूणता का मतलब बच्चों बीज में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना कहलाती है बहुभ्रूणता। हमारा अगला क्वेश्चन है असंग जनन, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? एपोमिक्सिस कहते हैं। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में बच्चों 14 में आया है, 17 में आया, 18 में आया है, 20 में आया है, 21 में आया है, 22 में आया है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, पौधों के जो जीवन चक्र होते हैं उसमें युग्मक संलयन का मतलब क्या होता है? सिंगैमी, इंग्लिश में इसे कहते हैं सिंगैमी, युग्मक संलयन या सिंगैमी, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन ऑफ टू सेल, या उनके न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो जाता है रिप्रोडक्शन करते समय। तो कभी कभी पौधों के का जो जीवन चक्र होता है उसमें जो फ्यूजन होती है सेल का, या हम कह सकते हैं उनके न्यूक्लियस का रिप्रोडक्शन के दौरान उनका फ्यूजन, या जो अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों जिसे हम कहते हैं मियोसिस। मियोसिस से क्या होता है बच्चों? एक से अधिक प्रकार की सेल बनती है जो अपने पेरेंट से डिफरेंट होती हैं देखने में। तो कभी कभी बच्चों पौधों के जीवन चक्र में फ्यूजन ऑफ सेल या उनके न्यूक्लियस का फ्यूजन या अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस नहीं होते हैं, और इनकी अनुपस्थिति में ही क्या है नए पौधों का निर्माण हो जाता है। जबकि हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, दो सेल हैं, अगर इन दोनों सेलों के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तभी जाके क्या होता है नए पौधे का निर्माण होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है इनकी अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? तो बच्चों इसकी खोज क्लिंकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह मुख्य दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? काइक जनन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बच्चों वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
जनन का मतलब होता है बैसिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये कैसा रिप्रोडक्शन होता है बच्चों? इस प्रकार का जो प्रजनन या हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन होता है, इसमें बीज नहीं बनते हैं। बैसिटेटिव प्रपोगेशन या कायिक जनन में बीज नहीं बनता है, बल्कि एक कलिका होती है जो पौधे के तने और उसकी पत्ती पर होती है, उसी से नए पौधे का जन्म होता है। आपने देखा होगा बच्चों, आलू जो होता है, आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू एक तना है, इसमें क्या होता है? इसमें आपने देखा है कि आलू में क्या होते हैं, छोटी छोटी ऐसी गठाने पाई जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन गठानों को? इन गठानों को बच्चों हम आंख कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में इन्हें हम आंख कहते हैं। और इनसे ही क्या होता है, इनसे ही, इन आंखों से जो आलू में गठाने होती, इन्हें हम आंख कहते हैं। इस आंख से ही आलू में क्या होता है बच्चों, नए पौधे का जन्म होता है। तो कायिक जनन क्या होता है, इसमें बीज नहीं बनता है। कोई भी तना या पत्ती के ऊपर क्या होता है, कलिका होती है, उसी से ही नए पौधे का जन्म होता है। दूसरा क्या है बच्चों, अनिषेक बीजता, या हम इसे क्या कहते हैं, एक गैमो स्पर्मी। इसमें क्या होता है बच्चों, जो लैंगिक जनन या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसकी अनुपस्थिति में ही बीज का निर्माण होता है। और उस बीज का निर्माण कैसे होता है, प्रजनन के द्वारा होता है। परंतु क्या होता है बच्चों, जो बीज बनता है उसके बनने में, जो अभी हमने बताया था, युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन, इसमें भी नहीं होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं बच्चों, अनिषेक बीजिता या एगेमोस्पर्मी। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है, असंग जनन या एपोमिक्सिस, इसमें क्या होता है, नए पौधों का निर्माण हो जाता है बिना युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन के, बिना ही नए पौधे का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम असंग जनन या एपोमिक्सिस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला कायिक होता है और दूसरा अनिषेक बीजिता या एगेमोस्पर्मी होता है। तो बच्चों इस तरीके से आपको इन दोनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।